15 मिनट पहले रतन ने मुझे आके बताया कि शाद के उन लड्डुओं के पास उसे एक लैक्सेटिव की खाली शीशी मिली। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि लड्डुओं में वो दवाई नंदिनी ने मिलाई? ये ऐसा क्यों करेगी? नंदिनी जी घबराइए मत, इस राज को राज रखने के लिए आपसे थोड़े पैसे मैं लूंगा, पर इस बार कीमत थोड़ी कम होगी। विजय जी ने अपने घर बुलाया है हम दोनों को लक्ष्मी पूजन के लिए। अगर मैं इरफान के साथ तुम्हारे घर आऊंगी तो अक्षय का मेरे लिए प्यार कम हो जाएगा। देखते हैं तुम्हारा अंदाजा सही निकलता है या गलत। अक्षय। हाँ विजया। आप वो नई वाली शेरवानी पहन रहे हैं ना, तो दूसरी वाली अंदर रख दीजिए। हाँ हाँ वही पहनी है, दूसरी वाली रख दी। विजया हमें नीति को समझाना पड़ेगा कि हमसे बिना कंसल्ट किए या बिना पूछे किसी को भी हमारे घर के फंक्शन में यूं ही इनवाइट ना किया करे। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, नंदिनी और डॉक्टर इरफान शादी करने वाले हैं, हमारे यहाँ पूजा में आकर आशीर्वाद लेंगे तो अच्छी बात है ना। अरे मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। पहले गणेश जी को टीका लगाइए, चावल लगाइए, इसके बाद माता लक्ष्मी जी को टीका लगाइए, चावल लगाइए, इसके बाद पुष्प अर्पण कीजिए। अरे अक्षय भाई साहब आइए। नीति बिटिया को पटाखे जलाते वक्त क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए वो बता रहा था मैं। नीति बिटिया ध्यान में रखना, कोई बड़ा बुजुर्ग हो साथ में तब जाके पटाखे जलाने चाहिए। अभी बड़ा तो मैं हूँ, बुजुर्ग माजी को बोल दीजिए हाँ आपके साथ रहने के लिए। और पटाखे ना कभी कीसे में नहीं रखने चाहिए, और पटाखे जलाते समय ना पटाखे को। अरे बस भी करो रतन, सेफ्टी के पूरे 15 पॉइंट रट के आए हैं कहीं से। अभया ना, ना भाई साहब सेफ्टी नहीं सिक्योरिटी, अभया सिक्योरिटी। रतन अगर मेरा पटाखों का कारखाना होता ना तो मैं तुम्हें उसकी सेफ्टी नहीं सिक्योरिटी के लिए हायर जरूर करता है। तुम्हें पता नहीं कौन सी बात लेकिन कुछ तो है तुम्हें। एक सेल्फी ले लो ना है? अच्छा काम करते हो। हैप्पी दिवाली नंदिनी जी। अरे नंदिनी जी हैप्पी दिवाली। आइए आइए रंगोली संभाल के। अरे क्या इरफान भाई आपकी मंगे तेरे हाथ ऐसे पकड़ के आई है, पकड़िए पकड़िए। वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, ले लेते एक सेल्फी। ठीक तरीके से पकड़ते नहीं हो, आजी आजी चलिए कम। वेलकम हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा। हैप्पी दिवाली अंकल। हैप्पी दिवाली बेटा। पंडित जी मैं अभी आई। हाँ आप आइए। हेलो इरफान, आप दोनों को सगाई मुबारक हो। थैंक यू। नंदिनी आंटी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। साक्षात लक्ष्मी देवी का अवतार लग रही हैं आप। हाउ स्वीट। थैंक यू। पता नहीं अब अम्मा जी विजया कहाँ रह गई। गुड इवनिंग। पेश है हमारी घर की लक्ष्मी देवी मिसेस विजया अक्षय सेना। इस बात पे फोटो तो बनती है इधर। अरे अक्षय अबे फोन दो फोन दो। अक्षय अक्षय भाई साहब यहाँ देखिए। क्या बात है। अबे नहीं नहीं हटो इधर से। और एक
अक्षय भाई साहब, वन मोर क्या बात है। नंदिनी जी एक्सक्यूज मी, इधर आ जाइए थोड़े से। नीति बेटा इधर आ जाओ। ओहो नंदिनी जी, कैसी लग रही है फ्रेम? बहुत अच्छा फ्रेम है रतन, बहुत हो गई फोटोज। थैंक यू। अब या अरे नीति बेटा आओ, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। अरे हाँ भैया, तो नीति आई है। क्या देख रहे हो? फोटो दिखाइए ना। हाँ वो फोटो, हाँ फोटो देखो, फोटो देखो। आप लोग आज हमारे घर दिवाली सेलिब्रेट करने आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में डॉक्टर इरफान, आप दोनों की जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लग रही है। इनफैक्ट डॉक्टर इरफान, शादी या सगाई के बाद आने वाली दिवाली जो होती है बहुत ही खास, बहुत ही अहम होती है। क्या? अरे दूसरा बिल्कुल। इस साल की हमारी दिवाली भी बहुत स्पेशल है ना अक्षय? हाँ एक्चुअली रियली स्पेशल। बता दो सबको कल रात क्या स्पेशल हुआ था। क्या कर रही हो विजय? पूजा का समय हो गया है, सभी लोग आइए। चलिए चलिए लक्ष्मी पूजन के लिए आइए। देवी माँ, इस घर पे, हमारे इस परिवार पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। मेरी दोनों बेटियों को आशीर्वाद देना कि उनके जीवन में हमेशा सुख, शांति और प्रेम बना रहे। हे लक्ष्मी माँ, मेरा नमन स्वीकार करना, ये आप ही का आशीर्वाद है, आप ही का उपकार है जो मेरा जीवन खुशियों से भर गया है। इतने सालों के इंतजार के बाद ही सही, पर मुझे मुझे मेरे जीवन साथी का प्यार जो मिला है वो मेरे लिए एक नई जन्म की तरह है। अब मेरी बस एक आखिरी प्रार्थना है माँ, कि जितना प्यार अक्षय मुझसे करते हैं, जितनी खुशियाँ उन्होंने मुझे दी हैं, उसके बदले मैं उससे कई ज्यादा प्यार और कई गुना अधिक खुशियां उन्हें दे पाऊं। हे लक्ष्मी माँ, कब से कर रहा हूं तेरी प्रार्थना। माँ कुछ तो तरस खा मुझ पे। माँ सुबह से दो बार प्रार्थना कर चुका हूं तेरी। यहां कितने लोग हैं जिनके जेब हरे भरे नोटों से भरे पड़े हैं। मेरे अकाउंट में भी ये हरे भरे नोट आ जाए। माँ कुछ तो तरस खा, फिर बाद में मैं तुझे कभी तंग नहीं करूंगा अगली दिवाली तक। माँ तरस खा। माँ पूजा संपन्न हुई, माता लक्ष्मी आप लोगों के परिवार में सब संपन्नता पूर्ण करें। नंदिनी, अगर तुम्हारा मूड नहीं है रुकने का तो हम चल सकते हैं। हाँ I mean, बहाना कर दूंगा कि हमारी बिल्डिंग में भी दिवाली पूजन है तो हमें वहां जाना है। कोई जरूरत नहीं इरफान, मुझे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है।
कहा तो शाम अभी शुरू हुई है। दिवाली का असली मजा तो अब आएगा। दिवाली होती इंदौर में हुआ करती थी दिवाली। हाँ, हमारे इंदौर में भाई ने हाथ में खुजली हो रही है, लगता है जुए में बड़ी कवाई होने वाली है। रतन जय माँ है ना। हाँ जय माँ, वाह वाह वाह। इरफान जरा वो बॉक्स लेके आना। ओह नीति, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पटाखे लेकर आई हूँ। अनार, फुलझड़ी, रॉकेट, सब कुछ। खूब सारे पटाखे जलाएंगे। नीति, मैंने आपसे कहा था ना कि हम इस साल पटाखे नहीं फोड़ेंगे, बहुत पोल्यूशन होता है। विजया दीदी आप एकदम सही बोल रही है। देखिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, भाई साहब एनवायरनमेंट सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, समझे आप? भूल गए, अभी सुबह ही बात की थी। नीति बहुत धुआं धुआं होता है, इसलिए कोई पटाखे नहीं चलाएंगे, हम और गेम्स खेलेंगे। विजय आप, दिवाली है, अगर उसे थोड़ा मजा करना है तो करने दो, इट्स ऑल राइट। करेक्ट भाई साहब, अगर सिक्योरिटी होगी ना तो बट विजय नीति इतने दिनों से स्कूल नहीं गई है, अपने दोस्तों से नहीं मिली है। लेट हर गेट आउट, हैव फन, उसको मजा करने दो थोड़ा। थैंक यू पापा। अभी थैंक यू मत बोलो मुझे प्रिंसेस, पहले आपकी मम्मी मान जाए तब बोलना। अगर तुम्हारी मम्मी नहीं मानेंगी तो एक भी पटाखा नहीं फोड़ेंगे हम लोग, ठीक है? रहने दो नीति बेटा, हम कोई और गेम खेल लेंगे। वाह वाह नंदिनी जी, क्या सजेशन, नहीं वैसे अच्छा नहीं है सजेशन। इसके लिए भाई साहब सिक्योरिटी के लिए मैं हमेशा अपनी जेब में ये ताश की गड्डी रखता हूँ। चलो एक एक हाथ हो जाए। नहीं नंदिनी, कोई और गेम क्यों खेलेंगे? डॉक्टर इरफान इतने प्यार से लाए हैं तो मना कैसे कर सकते हैं? लाइए डॉक्टर इरफान, ये लीजिए। थैंक यू। कितने सारे पटाखे, ये काम। चलो चलो चलो, हैव फन, चलो। वही जो करने के लिए अंदर बुलाया तुम्हें। अक्षय कोई देख लेगा तो देख लेना, अपनी पत्नी के साथ प्यार कर रहा हूं, किसी और की थोड़ी। We'll be right back.
विजय, मैं आज तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? ऐसे थोड़ी। क्या देना चाह रहे थे आप? बड़ी उतावली हो रही है। मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। महातोगन। I know it's a funny gift for Diwali, but बात ये है विजय कि ये महातोगन मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी first prize है। बात दिल्ली की है। दिवाली का टाइम था और मैं 8th स्टैंडर्ड में था, कैन यू इमेजिन। और मेरे दोस्तों ने एक सिंगिंग कंपटीशन के स्टेज पर मुझे उतार दिया। दिवाली थी और ऊपर वाला मेरे साथ था, इसलिए बाकी सिंगर्स इतने बेसुरे थे। ये आपके इस बेसुरे पति को फर्स्ट प्राइज मिल गया। मेरी लाइफ का पहला और आखिरी फर्स्ट प्राइज है ये, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इतने सालों तक इसे संभाल कर रखा और अब आप ही मुझे दे रहे हैं। Why not? तुमसे कहा था ना मैंने विजय कि मैं अपनी जिंदगी की हर छोटी और बड़ी बात तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिर वो बात चाहे अच्छी हो, बुरी हो, खुशी हो, गम हो, हार हो या जीत हो, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। Are you sure? Yeah. Okay. तो मैडम, मैंने आपको जो ये अजीब सा तोहफा दिया है, इसे आप संभाल कर तो रखेंगी ना? जरूर, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। ये हुई ना बात। लाडो जी, लड्डू नहीं दिखाई दे रहे। वो क्या रखे हैं जी? अरे यही है वह, खा लो अब। नानी। हाँ बेटे। फिर से समझाइए ना, राम जी को 14 साल तक वनवास क्यों करना पड़ा? सुनिए भाई। नीति बेटे, राम जी की जो सौतेली मम्मी थी ना, कैकेयी, वो नहीं चाहती थी कि राम जी गद्दी पर बैठे, राजा बन जाए, इसलिए उन्होंने राम जी को वनवास करवा दिया 14 साल तक के। सौतेली माँ मतलब? सौतेली माँ मतलब उनके पिताजी की सेकंड वाइफ, दूसरी पत्नी। लेकिन एक आदमी को तो एक ही वाइफ होनी चाहिए ना? होता है नीति बेटा, होता है। बड़े बड़े लोगों में 1, 2, 3, 4 वाइफ कितनी भी हो सकती है। क्यों अक्षय भाई साहब? तुम्हारे लड्डू खाने का वक्त आ गया रतन, खाओगे? मैं तो वो महाराज राजे महाराजों की बात कर रहा था नीति बेटा। राजा वो हार्ट ऑफ किंग। रतन प्लीज, कम से कम बच्चों को तो ताश की बातें मत सिखाओ। अरे कैसी बातें करती हो भैया, तुम्हें पुरानों के बारे में कुछ पता भी है? और इन बच्चों को पुरानों के बारे में बड़े बुजुर्ग और बड़े नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? नीति बेटा, ऐसा है कि एक बार राम जी और दुर्योधन जी जुआ खेल रहे थे, तो उसी कारणवश राम जी को 14 बरस वनवास जाना पड़ा सीता जी और द्रौपदी जी के साथ। रतन बाबू, आप भी कमाल की बात करते हैं। क्यों, अच्छा लगा? अच्छा नहीं लगा किसी को भी, बहुत ही खराब था। वो क्या है ना कि आपने अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज दिखा के महाभारत और रामायण को जोड़ दिया है। होता है ना, I'm a human being, I make mistakes. इतने हंसने की जरूरत नहीं है। रतन, बहुत सीख लिया सबने तुमसे, बहुत ज्ञान बांट दिया तुमने। अब दिवाली का है वक्त, तो कुछ और बातें करते हैं। अक्षय भाई साहब, आप करेक्ट बोल रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि दिवाली है और ताश नहीं खेल रहे सिक्योरिटी के साथ। खेलने तो चाहिए ना।
रतन, अभय और तुम्हारी शादी के बाद ये पहली दिवाली है जो तुम हमारे साथ मना रहे हो, है ना? Yes. इसीलिए शायद तुम्हें पता नहीं है कि हमारे घर में जुआ नहीं खेलते। पर विजया दीदी माँ नाराज हो जाएगी तो? माँ? लक्ष्मी माँ। आइडिया। जुआ तो तब कहा जाएगा ना जब पैसे लगाकर पत्ते खेले जाएंगे। लेकिन पैसों के बिना भी तो खेल हो सकता है। लेकिन नंदनी, हमारे घर में कोई कार्ड्स नहीं खेलता। अब हम में से किसी को कार्ड्स खेलने नहीं आते। वी डोंट नो एनी कार्ड गेम्स। क्या करेंगे हम? हाँ नंदनी, मैंने भी ये ताश वगैरह पहले कभी खेला नहीं है। रतन तुम? अरे वो नंदिनी जी, क्या है कि अगर पैसे नहीं हो तो वेस्ट ऑफ टैलेंट है ना मेरा तो। ओह अच्छा, तो मैं मेरे कंगन दांव पे लगाती हूँ।